हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज आप सभी को मैं आम दाल बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए, कुकर में मैं राहल का दाल ले ली हूँ और इसमें मैं पानी डाल दी हूँ, अच्छी तरीके से धो डाली हूँ मैं दाल को। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। तो इसमें मैं नमक डाल देती हूँ और अभी कुछ नहीं डालना है। जब हम लोग दाल को फ्राई करेंगे तब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो दाल में पानी और नमक, और ये है सूखा आम, तो इसको मैं डाल देती हूँ। और थोड़ा सा ऑयल। अब कुकर में लगा देते हैं और ये अब हम लोग इसको बनने देंगे। क्या बन रहा है? तो ये शकरकंद है, इसको मैं उबाल रही हूँ खाने के लिए सुबह का। और इधर दाल को चढ़ा दी हूँ। अब इधर मैं सब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ। दाल तो अपने बनता रहेगा और उधर मैं वो जो शकरकंद है उसको उबाल रही हूँ। तो मैं मिक्सी में अदरक लहसुन और प्याज टमाटर का पेस्ट बना रही हूँ सब्जी के लिए, तो उसको मैं बना लेती हूँ। चलिए, और इधर मेरे कुकर में भी सीटी आने लग गया है, तो मैं सब्जी बनाऊँगी। अभी मैं कटहल का सब्जी बनाऊँगी, उसके लिए फिर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में मसाले वाली ही सब्जी बनता है कटहल का। पहले तो मैं प्याज लहसुन और अदरक को पीस ली थी अच्छे से, अब उसमें मैं टमाटर डालूंगी। तो टमाटर लेके आ गई मैं फ्रिज से, अब उसको धो दी हूँ। अब उसको मिक्सी जार में काट देती हूँ, अच्छे से उसमें डाल देती हूँ। उसके बाद फिर उसको भी मैं पीस लूँगी, फिर मसाला तैयार हो जाएगा मेरा। तो मेरा सुबह का काम तो यही था, और झाड़ू पोछा, तो झाड़ू वाड़ू सब हो गया है, पोछा करना बाकी है। खाना बनाने के बाद पोछा करूँगी, फिर नहाऊँगी, उसके बाद फिर अपने काम पे सिलाई सेंटर चली जाऊँगी। आप लोग भी बोलते होंगे रोज़ रोज़ खाना पीना दिखाती है करके, लेकिन क्या करें, लेडीज़ लोग का तो यही काम है, रोज़ का खाना बनाओ, बस सुबह शाम खाना यही है। पूरा बिजी डे चलता है मेरा ऐसी। और मेरा मसाला हो गया है, तो मैं मिक्सी साइड में रख दी हूँ, और दाल भी मेरा बन गया है, सीटी आ गया है उसमें। तो मैं कढ़ाई चढ़ा ली हूँ सब्जी बनाने के लिए, और उसमें फिर मैं कढ़ाई में ऑयल डाल दी हूँ गर्म हो गया तो। और मैं दाल का वीडियो फिर आगे नहीं बना पाई हूँ, तो दाल को सिर्फ अब फ्राई करना रहेगा टमाटर प्याज डाल के, तो बस यही करना है। अब इधर देखिए तेल गरम हो गया है, तो उसमें मैं मेथी पत्ता डाल देती हूँ। उसके बाद फिर देखिए, मैं अपने हस्बैंड से बात करी थी, आज उनको आने में लेट हो गया था इसीलिए। अब मेथी हो गया है, तो उसमें मैं आलू डाल दी हूँ। अब आलू को अच्छे से होने दूंगी, आलू के साथ में मैं कटहल को भी डाल दूंगी, क्योंकि कटहल को भी भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको भी मैं डाल देती हूँ और उसको अच्छे से फिर भूनती हूँ मैं कटहल को। तो किसको किसको कटहल का सब्जी पसंद है मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरे पिछले वाले वीडियो में कटहल का सब्जी था, उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किए थे मुझे, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे प्यार देते रहिए और सपोर्ट कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। तो मेरा वीडियो कैसे लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, ये कंदा हो गया है, तो मैं उसको साइड कर देती हूँ, खाने के लिए हो गया है रेडी। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा लाते रहते हैं कंदा, सबको बहुत पसंद है। और मैं सब्जी को उस साइड में रख देती हूँ, दूसरे साइड उसको बनाऊँगी, और इधर मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम नहीं रहता ज़्यादा, सब चीज़ जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो मैं सब्जी को साइड में बनाऊंगी अच्छे से, अभी भी उसको मैं भून ही रही हूँ, और साइड में फिर मैं रोटी भी बनाऊंगी। तो रोटी बना लेती हूँ मैं। तो देखिए, मेरा किचन स्लेब बहुत छोटा है, इसलिए मुझे एडजस्ट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं अब रोटी बना लेती हूँ, और आप सबका कमेंट भी आता है कि मेरा रोटी बहुत बड़ा बड़ा बनता है करके, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मीडियम साइज़ का ही रोटी बनाती हूँ, और मुझे ये लगता है कि वीडियो में बड़ा दिखता है रोटी,
तो चलिए फिर मैं बना लेती हूँ जल्दी से रोटी। तो फ्रेंड्स, आप सभी से मुझे कुछ और भी बात करनी है। मुझे कमेंट में आया था कि होम टूर का वीडियो दो करके, तो मैं होम टूर का वीडियो अभी नहीं दूंगी, बाद में मैं दिखाऊंगी सभी को। और देखिए, इधर मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं ड्यूटी से, और क्या लेके आए हैं अभी आप सभी को मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो वो पूछ रहे थे मुझे क्या बनाई है नाश्ते में ऐसे करके, तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ। रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ कि क्या लाए हस्बैंड जी। तो चलिए मैं रोटी को फुलो लेती हूँ अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ। और रोटी भी बन गया अब मेरा, और उधर सब्जी भी बन रहा है, फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, उसी को मेरे हस्बैंड जी बना रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड जी ड्यूटी से आए, तो क्या लेके आए हैं, ये है लिट्टी जो मुझे अभी अभी पसंद आने लग गया है, और ये है चोखा। तो नाश्ता तो मैं बना ली हूँ आप सबको दिखाई, लेकिन फिर भी से ये सरप्राइज है बोलोगे तो। तो ये लेके आए हैं, और देखो खा रहे हैं, और मैं भी खाऊंगी। फ्रेंड्स, सब्जी रेडी, अभी तैयार है, अब बचा दाल फ्राई करने जो करूँगी। तो फ्रेंड्स, जो कांदा मैं उबाली थी वो हो गया है, अब मुझे तो छोटा छोटा पसंद है, इसीलिए देखो मैं छोटा छोटा निकाली हूँ, अब मैं खाऊंगी। तो देखिए, मैं फिर तैयार हो गई थी नहा कर, उसके बाद मैं सिलाई सेंटर आ गई हूँ, तो यहाँ बैठी थी। और देखिए मैं क्या बनाई हूँ, ये है झबला फ्रॉक बच्चे लोग का, तो ये हम लोग सीखे हैं बनाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है नेपकिन बच्चे लोग का, तो देखिए कितना मस्त लग रहा है। और ये जो बेबी है, इसकी मम्मी भी सीखने आती है, तो उसको मैडम बोली कि पहना के दिखाओ करके, तो वही पहना रहे थे, कितना मस्त लग रहा था। और एक लड़की है जो इतना अच्छा ड्राइंग करती है, देखिए मस्त लग रहा था। तो मैं छोटा सा क्लिप ले ली हूँ, देखिए ये राधा यशोदा मैया और कृष्णा है, कितना प्यारा लग रहा है, इतना मस्त ड्राइंग की है वो। और ये है दुर्गा मैया, कितना मस्त लग रहा है, देखिए आप सभी, एकदम बारीकी से डिजाइन की हुई है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था मुझे, इसीलिए मैं वीडियो बना ली। और ये है खुशी जो कि सिलाई सेंटर में आती है, बहुत प्यारी लगती है वो, तो हम लोग उसी के साथ मस्ती करते रहते हैं। और देखिए, मैं लंच लेके गई थी, लेट से आना था आज, तो वही कटहल की सब्जी और रोटी लेके मैं गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर, और साथ में कौन आई है, गुनगुन। तो अभी मैं 4:30 हो गया है, और 4:30 को मैं घर आई हूँ, अब मैं चाय पी रही हूँ। तो देखिए, मैं गुनगुन के साथ मस्ती कर रही थी, वो भी बहुत बोलती है और मस्त डांस कर रही थी, और फिर मैं चाय पीती हूँ। बैगन, देखिए फ्रेंड्स, जो भाजी लगाई थी मैं, इतना बड़ा बड़ा हो गया है। ये जो दिख रहा टमाटर है, ये इधर भी टमाटर ही लगा है, और टमाटर को मैं उगाई नहीं हूँ, हम लोग जो टमाटर धोते थे उसी का पानी को डाल देती थी, वही जग गया है। और इधर ये भाजी, और इधर ये बैगन जो कि अभी फूल रहा है, और इधर बहुत सारा फूल है, देखिए इसमें भी है। और इधर ये कितना सारा हो गया है, देते जा रहे हैं, ये इसका पेड़ भी पुराना हो गया है, तो भी से ये लगते ही जा रहा है बरबट्टी। और इधर देखिए, ये लहसुन इतना बड़ा बड़ा हो गया है, इसको तोड़ती हूँ मैं, यूज़ कर लेती हूँ, फिर ये हो जाता है। इसमें थोड़ा भाजी अच्छे से नहीं हुआ है, ये बस इतना हो गया है। और ये है पालक, इसका बीज निकलेगा अभी इसमें से। और इधर देखिए, ये बड़ा बड़ा हो गया है, खीरा ककड़ी और वाटरमेलन तरबूज लगाई थी वो, और इसमें का भाजी उतने अच्छे से नहीं निकला है, इसको टाइम लगेगा लग रहा है, देखिए। इधर मैं लाल भाजी लगाई थी, वो फिर से ये निकल रहा है, देखो। तो देखिए, हम लोग शाम को छत में घूमने के लिए आ गए हैं, जो कि डेली का है, और मेरी छत में यहाँ मैं बैठने के लिए बनाई हूँ, तो इसमें बैठती हूँ। उसके बाद सीधा पूरा ये, तो ये जो दिख रहा है वो गुप्ता स्वीट्स है, पूरा मेन रोड। और इधर भी जाओगे तो सीधा में नगर पालिका रोड, और मेन रोड पड़ता है बिरगांव का।
फ्रेंड्स, मैं शाम को खाना बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड जी आइसक्रीम लेके आ गए हैं, तो चलिए इंजॉय करते हैं। देखो अपने लिए कौन सा लाए हैं और मेरे लिए देखो।